नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम। हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा सिविल एविएशन विभाग और अलायंस एयर एविएशन के बीच एमओयू साइन हुआ। इस मौके पर सुधीर राजपाल ने कहा कि अलायंस एयर एमओयू के बाद एयरक्राफ्ट हिसार एयरपोर्ट से कमर्शियल ऑपरेशन शुरू देगा और साथ ही अयोध्या, जम्मू, दिल्ली, अहमदाबाद, चंडीगढ़ और जयपुर के लिए फ्लाइट शुरू होंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि 20 जून को मुख्यमंत्री खुद जाकर इनॉग्रेशन करेंगे। तो वहीं सीएम नायब सिंह सैनी भी, उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए बड़ा गौरव और हर्ष का विषय है। जैसे आज हमने सुबह का काम किया है आप, क्योंकि वो लोग एलिगेशन लगाने से कोई काम नहीं करते। इस सुबह के हरियाणा सरकार के ऊपर एलिगेशन आई है तो उसके लिए समय आएगा। पहले आज के विषय पे अगर केंद्रित करें आप, इसको केंद्रित करिए। और नहीं देखिए, क्योंकि वो अपनी व्यवस्थाएं तो नहीं बना पाए, वो खाली बातें करते रहे हैं, लोगों को बोल करके बातें वो वोट लेते रहे हैं, परंतु आने वाले समय के अंदर क्या विजन होगा, आने वाले 20 साल 30 साल के बाद परिस्थितियां क्या चेंज होंगी। करनाल लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री बनने के बाद करनाल पहुंचे और साथ ही इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। संतोष दे रहा है कि अब मैं केवल सांसद नहीं बल्कि मोदी जी ने जो दायित्व दिया है मंत्री के नाते, और उसमें भी दो विभाग, पावर डिपार्टमेंट अपने आप में देश का बहुत बड़ा विभाग है और ऐसे ही हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, ये भी बहुत बड़ा विभाग है। तो दोनों विभाग उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास तो किया है, मैं समझता हूँ ये विश्वास मेरे पर नहीं, ये मेरी करनाल लोकसभा की जनता के ऊपर विश्वास है। तो मैं उस नाते से विश्वास वाला कि मैं आपकी सेवा अच्छे प्रकार से कर पाऊंगा। हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल का दिल्ली पानी विवाद पर बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की बुनियादी झूठ पट्टी की है और साथ ही आंदोलनकारियों को गुमराह किया और पार्टी बनाई। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा के पास पानी नहीं है, जो पानी आता है उसमें दिल्ली के कोटे से ज्यादा दिल्ली को देते हैं और साथ ही 40% पानी दिल्ली में बर्बाद हो जाता है। और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के नतीजों पर दलाल बोले कि 1962 की पहली बार हुआ है कि तीसरी बार कोई सरकार बनी, और साथ ही हरियाणा में आशा के मुताबिक वोट नहीं आया लेकिन वोट प्रतिशत कांग्रेस के बराबर रहा। वहीं कुमारी शैलजा के बयान पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है और कुमारी शैलजा ने इसे माना अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी की बुनियाद झूठ पर टिकी हुई है, झूठ बोल करके आंदोलन को गुमराह करके ये पार्टी बनी, फिर इसने आरोप लगाए कांग्रेस के नेताओं पर भ्रष्टाचार के, कोर्ट में जाकर के इन्होंने माफिया मांगी। दिल्ली में प्रदूषण होता है तो दोषारोपण किया है हरियाणा के किसानों पर, दिल्ली में पानी की कमी होती है तो कहता है कि हरियाणा से पानी नहीं आ रहा, जबकि हरियाणा का अपना पानी का स्रोत नहीं है। हरियाणा में पानी या तो पंजाब से आता है या हिमाचल से आता है, जो पानी हमें मिलता है दिल्ली के कोटे का, उससे ज्यादा पानी हम दिल्ली को दे रहे हैं। ये हम डाटा माननीय उच्चतम न्यायालय को भी दे चुके हैं और उच्चतम न्यायालय ने इनको फटकार भी लगाई है। सिरसा लोकसभा क्षेत्र के सांसद कुमारी शैलजा का जीतने के बाद पहली बार रतिया पहुंचे और साथ ही उन्होंने रतिया क्षेत्र की जनता का धन्यवाद किया।
रतिया पहुंचने पर कुमारी सैलजा का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। मीडिया से रूबरू होते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र को नशा मुक्त करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। पत्रकारों ने सैलजा से पूछा कि रतिया क्षेत्र की जनता की मांग है कि आप रतिया से विधानसभा चुनाव लड़े, तो कुमारी सैलजा ने कहा कि अगर हाईकमान ने चाहा तो वो रतिया से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। रतिया पहुंचने पर कुमारी सैलजा का लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया और साथ ही खचाखच भरे पंडाल में पांव रखने की भी जगह नहीं थी। सैलजा का ये धन्यवाद दौरा कार्यकर्ताओं में विधानसभा चुनाव को लेकर नया जोश भर गया। हिसार से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश ने कहा कि लोकसभा में टिकटों का आधार सर्वे था, अब तक सबसे बेस्ट टिकट वितरण था और जिसके दम पर हम 5 सीट जीते, 3 सीट पर बेहद कम अंतर से हारे और मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। सांसद जयप्रकाश कुमारी सैलजा के टिकटों के सही वितरण होता तो है, लेकिन 10 लोकसभा सीट जीतने वाले के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे और साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों ने भीतरी घात की होगी, जनता उन्हें सबक सिखाएगी। हिसार के कांग्रेसी सांसद जयप्रकाश ने कहा कि जेपी हरियाणा सरकार एयरपोर्ट के नाम से बहका रही है और साथ ही बीजेपी नेता झूठ बोलकर लोगों को बहका रहे हैं। भी पता इस मामले में मैं ना तो मैंने सुना है ना मैंने पढ़ा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इससे बड़ी एक्टिविटियों का बंटवारा हो नहीं सकता, क्योंकि ये पार्टी हाईकमान में सर्वे करा करके टिकट है। अगर सर्वे करा करके टिकट ना होती तो कम से कम मैं बाकी किसी का ठेकेदार नहीं, मुझे टिकट नहीं मिलती। लोकसभा चुनाव से पूरी तरह उत्साहित हरियाणा के पूर्व मंत्री और झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा और साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर भाजपा जहां हाफ हो गई थी, वहीं विधानसभा चुनाव में वो पूरी तरह साफ हो जाएगी। गीता भुक्कल शुक्रवार को अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत कर रही थी और उन्होंने कहा कि हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है और लोगों ने कांग्रेस को सत्ता सौंपने के लिए पूरी तरह से मन बना लिया है। हाँ देखिए, पानी की समस्या न केवल दिल्ली में, आज के समय में हरियाणा के हर शहर और गांव में पीने की पानी की बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। जगह जगह पर लोग जो है रोड जाम कर रहे हैं। पानी की सप्लाई के अलावा जो पानी है वो स्वच्छ पानी नहीं है। मैंने स्वयं अपने घर का पानी का भी सैंपल चेक करवाया है और यहाँ पर पूरे सीवरेज ब्लॉक हो गए हैं और मैं समझती हूँ रोहतक में भी आपने देखा होगा, झज्जर में भी देखा होगा, पूरे प्रदेश में हालात हैं। और जहाँ तक दिल्ली की बात है, मैंने तो हरियाणा के जो मिनिस्टर हैं उनका बयान सुना था कि पूरा पानी जो है वो दिल्ली को दिया जा रहा है। हमारी चिंता इस बात को लेकर है, ठीक है दिल्ली को दिल्ली के हिस्से का पानी मिलना चाहिए, लेकिन ये भी सुनिश्चित होना चाहिए कि हरियाणा में आज के समय में बहुत ज्यादा पानी की किल्लत हो रही है
और इसमें सबसे बड़ा कारण जो है वो बिजली की सप्लाई माना जा रहा है। बड़े बड़े जो कट है उनकी वजह से पानी जो है वो घरों तक पीने का इवन पेयजल का पीने का पानी जो है वो पहुंच नहीं पा रहा है, ना ही वो स्वच्छ पेयजल है। विश्व रक्तदाता दिवस पर अंबाला में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान प्रदेश भर की महिला रक्तदानों को सम्मानित किया गया और साथ ही राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि कार्यक्रमों से रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। विश्व रक्त दिवस अंबाला में मनाया जा रहा है। प्रदेश में जिला विकास एवं संयुक्त शाखाओं के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर विश्व रक्तदान दिवस मनाया जा रहा है। यह बड़े ही हर्ष का विषय कि संपूर्ण विश्व में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस विशेष रूप से मनाया जाता है। यह दिवस रक्त के मुख्य आठ समूहों की खोज करने वाले रक्तदान दिवस के अवसर पर सामाजिक संगठनों की ओर से जिले में कई स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में तमाम रक्तदाताओं ने मौके पर पहुंचकर अपना रक्तदान किया और स्थानीय शिविर आयोजकों के द्वारा लोगों को जागरूक भी किया गया। और वहीं दुर्घटना के समय जब किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो उसे कई बार रक्त न मिलने के कारण उक्त व्यक्ति की जान भी चली जाती है, तो ऐसे समय में रक्त का होना मरीज के लिए बेहद जरूरी है, जिसके लिए हम सबको मिलकर अब रक्त दान करना बेहद जरूरी है। और साथ ही तमाम सामाजिक संगठनों की ओर से भी शिविर लगाया जाता है। स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले लोगों पर खाद्य और आपूर्ति विभाग की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। सोनीपत में जब विभाग के अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली कि गन्नौर क्षेत्र के गांव में टेहा में मिलावटी घी और पनीर का एक गोदाम मौजूद है और विभाग के अधिकारियों ने क्राइम ब्रांच की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर वहां रेड घी और साथ ही 437 किलो सफेद घी और 260 किलो पनीर मौके पर बरामद हुआ। और विभाग के अधिकारियों ने मौके पर जब गुणवत्ता को चेक किया तो वे सही नहीं मिले, जिसके सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेज दिया है। आज जो है मैं सी आई स्टाफ के जो इंस्पेक्टर से गए, उन्होंने ये सूचना दी कि हमें मुखबिर के थ्रू एक सूचना मिली है कि कहीं जो है वो मक्खन और पनीर जो है वो बट रहा है, तो हम मौके पर आए और मौके पर आकर के हमें देखा कि यहाँ पे वाइट बटर है और पनीर भी है। वाइट बटर का हमने सैंपल ले लिया है। वाइट बटर की जो क्वान्टिटी यहाँ पे है, जिसमें एक एक किलो की पैकिंग भी है और पाँच पाँच किलो की पैकिंग भी है, 10 किलो की पैकिंग भी है, जो एक किलो की पैकिंग है वो 57 है और पाँच पाँच किलो की पैकिंग 68 है और 10 किलो की 4, तो टोटल ये 437 किलो जो है वाइट बटर हमारे पास हमने यहाँ पर रमुख की है। और पनीर भी इनके पास है जो 260 किलो के पनीर है। पनीर का भी हम सैंपल लेंगे, दोनों चीज़ों का सैंपल लेके सैंपल अभी मौके पर हम लोग सील कर रहे हैं। सील करके इनको चंडीगढ़ लैब में भेज दिया जाएगा। आगामी कार्रवाई जो है चंडीगढ़ लैब से जैसी रिपोर्ट आएगी, जो रिपोर्ट की लैब की रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट कानून के तहत जो कार्रवाई में बनती है की जाएगी। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।